अरुण गोविल जी जहां भी ट्रैवल करते उनको भगत जन पकड़ लेते। एक आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर किसी ने पकड़ लिया था तो महिला वहीं पैर पकड़कर पूजा ही करने लग गई। और यही कुछ देखने को मिला, एक मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने देखा एयरपोर्ट पर कि अरुण गोविल जी के साथ फोटो हो रही। उस बंदे ने जल्दी से अपने परिवार को बुलाया, भगवान श्री राम आए, भगवान आए भगवान, और अपनी पत्नी को अपने बच्चों को वहां पर भेजा फोटो कराने के लिए। एंड भाई उस आदमी की खुशी ओए। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो भाई चंद मिनट के लिए खुश कर देते हैं, कुछ कुछ घंटों के लिए, कुछ कुछ दिन के लिए, तो कुछ ऐसे होते हैं भाई जो पूरा साल बना देते हैं। और ये वीडियो कुछ ऐसी ही है जी। अरुण गोविल जी को आप जानते होंगे जिन्होंने रामानंद सागर में श्री राम जी का कैरेक्टर किया था, द कैरेक्टर जो अभी तक जिंदा है हमारे साथ है। व्हेनेवर वी सी अरुण गोविल जी भाई दिमाग में ना छवि वही बनती है। जिस तरीके से उन्होंने श्री राम का पोर्ट्रेट किया है, मेरे हिसाब से बॉलीवुड ऐसा अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी नहीं कर पाएगा। और ये तो प्रोजेक्ट भी बॉलीवुड का नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अरुण गोविल जी जहां भी ट्रैवल करते उनको भगत जन पकड़ लेते। एक आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर किसी ने पकड़ लिया था तो महिला वहीं पैर पकड़कर पूजा ही करने लग गई। अरुण गोविल जी ने बड़ी मुश्किल से संभाला, उसको पति कह रहे अरे यार करो कुछ, बट वो ज्यादा ऐसा ना डर भी जाते हैं क्योंकि लोग बहुत आस्था दिखाते हैं उनको देख के कि साक्षात मानो उन्होंने श्री राम को देख लिया हो। और यही कुछ देखने को मिला, एक मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने देखा एयरपोर्ट पर कि अरुण गोविल जी के साथ फोटो हो रही है। एंड द गाय बिकेम मतलब कि सातवें आसमान पे चला गया। और देखिए मैंने बहुत बार सुना है कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री जहां मजार पर जाते हुए एक हिंदू सर झुका लेता है तो वहीं श्री राम का नाम लेते एक मुस्लिम हाथ जोड़ लेता है। ठीक वैसा ही कुछ नजारा मेरे को यहां पर देखने को मिला। उस बंदे ने जल्दी से अपने परिवार को बुलाया, भगवान श्री राम आए भगवान आए भगवान, और अपनी पत्नी को अपने बच्चों को वहां पर भेजा फोटो कराने के लिए। एंड भाई उस आदमी की खुशी ओए सातवें आसमान पे। एंड दिस वाज द वीडियो जिसने ना मेरे को रिलीफ दिया कि हाँ यार भगवान सबके हैं यार, हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ भी हो भगवान श्री राम सबके हैं। और भाई अरुण गोविल जी यार क्या ही काम कर दिए इन्होंने, कितने साल पहले किया था, और भाई उस चीज का ना आज भी ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलो भाई बाकी ये तमाचा उन लोगों के लिए भी है जो बहुत कुछ बोलते हैं भगवान श्री राम के ऊपर। देख लो यार श्री राम सबके हैं यार, कमेंट बॉक्स में हो जाना अच्छी है श्री राम का नारा बड़े जोरों शोरों से प्यार के साथ। बाकी मिलता हूँ यार बहुत जल्द, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत नजदीक है यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 100K पे पहुंच जाएंगे। बाकी आप सभी को बाय बाय, जय श्री राम।